उस इलाके में दो मौलाना खड़े हैं, इधर डॉलर लगे यार। तकलीफ में इससे पहले भी जब आता रहा हूँ, अक्सर आता रहा हूँ, वही बात हो रही थी जो आपके सामने दधौड़ा की मजलिस में मैंने पहले अब इसमें की मजलिस थी, मैंने आई बात साहब वहाँ पर मौड़ा साहब नजी साहब आप थे, गुलजार साहब श्री फर्मा थे, असदुद्दीन साहब थे, वहाँ पर बोल बातचीत चली यहाँ की। अभी यहाँ के मसाले इतने ख़राब देख गए इस वक्त तक, जैसे हालात सब ख़राब हो चुके हैं, हालात उस वक्त ख़राब नहीं थे, तो बात ये चली किसी तरीके से मसले को हल किया। आप लोगों ने फरमाया कि टिब्बी साहब वगैरह वगैरह जो हैं इस तरह वो लोग शरई हल के लिए तैयार हैं, कि जो शरीयत का फैसला हो वो मानने को तैयार है, शरीफ कादिर साहब तैयार नहीं। मैंने यह अर्ज किया कि आप हजरात टिब्बी साहब वगैरह से खत आगाए महदवी पुर जो नुमाइंदे आयतुल्लाह खामेनेई थे, ये दर्जादार आलिम दीन हम सब के बारे में शायद दुआ हो जाए कि साहब हुक्म में साथ रहे हैं, साथ पढ़ते रहे हैं, उनकी ने थोड़ा बहुत झुकाव हो जाए, लेकिन वो दर्जादार फर्द हैं, उनके नाम में खत किया जाए कि हम लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ के मसाइल शरई बुनियादों पर हल है। तो जवाब हमें ये मिला कि ये लोग को लिखने को तैयार हैं लेकिन शरीफ कादिर साहब नहीं मानेंगे। तो मैंने अर्ज किया था कि शरीफ कादिर साहब का जिम्मा दे रहा हूँ, मैं जिम्मा लेता हूँ कि शरीफ कादिर साहब को शरी हुक्म मानना पड़ेगा, लेकिन आलिम दीन अगर शरी हुक्म ना माने तो आलिम दीन कहेगा फिर रह गया, और अगर खुदा ना खास्ता शरीफ कादिर साहब ने मानने से इनकार किया इसी मुजफ्फरपुर में मैं उनके खिलाफ मैं छोड़ूंगा, याद है आपको ये मैंने यहाँ पर अर्ज किया था। बहुत खुशी का माहौल हुआ, बहुत अच्छी बात है कि ये हो जाए तो क्या कहना, और ये हुआ कि हम दो चार दिन के अंदर अंदर ये ख़त आ जाएगा। मैंने कहा वो ख़त लेके मैं खुद आ गए मैदीपुर के पास जाऊँगा, उसके बाद टिब्बी साहब और उनके अफराद जो हैं वो अपनी नुमाइंदगी में किसी एक आलिम को भी रख लें जो फारसी अच्छी जानता हो, कि कल ये ना हो कि साहब आ गए मैदीपुर को सही बात हमारी पहुँचा ही नहीं गई, बीच में कुछ एक कत ऐसे फोन हो रहा है उसमें बात फारसी की आई थी तो आपने कहा था कि वो हम कर रहे हैं, बहस किया कि हम हमें जाए हमें नहीं लिखे या किसी भी अपने मोहतमिर आलिम को तो आपको भरोसा है कि वो आपकी बात को पूरी तरह पहुंचाएगा, जितना क्यों नहीं करेगा, खतरा होता है ना एक बात का, पता क्यों नहीं करेगा, ये बातें होगी चंदे में मिल जाएगा। खैर वो तो लेटर आज तक नहीं आया, फिर बाद में शादी साहब पर हमला भी हो गया और सारे मसाइल भी होना चाहिए थे वो हुए, और दिन ब दिन हालात ये जो है बिगड़ते गए। मैंने वही बात आज फिर दोहराई कि वो बात खत्म नहीं है आज की उन चीज़ों को, क्योंकि नुकसान को जहाँ से रोक लिया जाए वहीं से फायदा है, नुकसान को जहाँ से रोक लिया जाए वहीं से फायदा, वहीं से फायदा है, क्योंकि देखिए इधर भी अपने ही हैं उधर भी अपने हैं। फिर मैंने यही अर्ज किया आप भी अहले बैत के चाहने वाले हैं, वो भी अहले बैत के चाहने वाले, वो भी मौला अली के नाम लेने वाले, ये भी मौला अली के नाम लेने वाले, वो भी अदादार हुसैन है, ये भी अदादार हुसैन है, जिसका भी नुकसान हो तशय्यों का नुकसान है, दोनों तरफ से अगर जो नुकसान होता है वो तशय्यों का नुकसान है। यह है कि बहरहाल आज भी हम लोगों की कोशिश ही है, हम लोग यहाँ अगर आए हैं किसी शख्स की हिमायत में नहीं आए, किसी शख्स की हिमायत में यहाँ नहीं आए, ना कोई कादिर शरीफ साहब जो रिश्तेदारी है और ना दूसरे गुरुओं से कोई खुदा ना खासा ये जो है दुश्मनी है मुखालफत, इतवाक में मुजफ्फरपुर आया था इन्हीं की दावत पर आया था, इन्हीं के घर में ठहरा था, याद है ना, तो इन्हीं के घर पर ठहरा था, दावत देने वाले भी यही थे, तो आज भी वो शायद वही फसा मौजूद है। अगर कोई सूरत निकल आती है इस तरह की ये मसाइल जो है वो हल किए जाए, और एक जुमला मैंने कहा कि आपने जो कुछ उनसे पहली बात तो ये है सरकार कि मौलाना करबे जवाब साहब पूरा हम लोगों के कायद हैं, और वो ऐसा नहीं है कि हम लोग किसी गुरू के तहत जाके इनको फरामोश कर सकते, फिर हमारा पूरा शहर करीब करीब आपके बात में है और आपका एहतराम है, हम लोग आपके और मौलाना करबे जवाब साहब के
किसी भी मशवरे या किसी भी हुक्म से अलग नहीं, पहली बात। दूसरी बात यह कि जब आप तशरीफ ले गए पंजाब, उसके पास 2017 में जो हालात हुए वो मोमिनी के घर में ताला बंद करने के जो भी हुआ वो हालात अब सबको दोहराया जाएगा, तो हुक्म दीजिएगा तो दोहराया जाएगा। उसमें हमारे मुजफ्फरपुर से 6 लोग इंक्लूडिंग दिल्ली साहब सरकार की खिदमत में गए और वहाँ पूरा कागजात भी दिया और हुजूर ने वादा किया कि हम मुजफ्फरपुर आएंगे तो इस तजिए पर नहीं पता था कि बाद में क्या हो। आपने काफ़ी अच्छा हो गया अपना जी जी 2017 2017 6 लोग गए, 6 लोग गए कागजात भी सबूत किए थे और जो भी वफ़ उसकी बात कर रहे हैं, मैं इस चलवाड़ा एरिया की बात कर रहा हूँ कि कोई एक बात आए कि कहाँ वफ़ थी, कौन भेज रहा है और कहाँ से किया, ये जरा समझ हो जाए फिर शाना बशाना। सर जवाब साहब आपकी खदमत में मैं याद करूँ कि ये हदायत की बातें यहाँ बैठ के भी बात नहीं हो सकती ना, हमारे में है हम जानते हैं ना वो यहाँ मौजूद हैं। जैसे कि उस वक्त याद किया गया था कि अगर ये वही उन्वान उस वक्त मिसाल के तौर के ऊपर ऐसे शख्स को मुअय्यन कर दिया जिसको हकम मान लें और ये कहें इसको हकम तस्लीम करने बगैर किसी जबर और इतराह, ताकि ये ना हो कि साहब आ गए फिर उसके बाद जाहिर सी बात है कि फैसला एक के हक में होता है दूसरे के खिलाफ होता है, ये तो नेचुरल सी बात है। ये तो नहीं हो सकता है कि साहब दोनों के हक में फैसला होता है, फैसला तो किसी एक के हक में होता है। दोनों इस बात के ऊपर तैयार हों कि हाँ उसके फैसले को हम तस्लीम कर लेंगे। अब इस तमाम चीज़ें होती हैं कानूनदा हजरात भी करके रहे हैं कि कागजात को पढ़ना, बहुत से कागजात शायद कानून और शरीयत के दायरे, बहुत से कागजात शायद मैंने ये जो है समझ भी ना पाओ किसने क्या लिखा है। लाइट से मैंने देखिए कानूनदा वहाँ मौजूद हो बताया कि इसमें लिखा क्या है, क्या चीज़ है, ये ज़मीन कितनी थी, किसके हाथ में थी, कम हो गई, किस बुनियाद पर कम हुई, कहाँ चली गई, बढ़ गई तो कहाँ से आई, बरत ये सारी चीज़ें किया तो किसने किया। मेरी तस्वीर जो ये है उलमा कराम की तस्वीर फरमा है मौलाना है फरमाई है, मेरी तस्वीर तस्वीर वही है कि हम इस वक्त अभी भी हमारे पास अलहमदिल्ला अलग मजबूर मौजूद हैं नुमाइंदे वली फकीह। अब तो आप काफ़ी आशना भी हो चुके हैं, यहाँ के मोमिन भी उनसे आशना हो गए हैं, उस वक्त तो बहुत कम लोग उनको पहचानते थे जानते थे, काफ़ी गैर जानबदार शख्सियत। अगर दोनों शरीक इस बात के ऊपर तैयार हो जाएं, मसले को उनके सामने रखा जाए या उनको यहाँ बुला लिया जाए, वो आ भी जाते हैं। अगर आप इजाज़त दें तो एक जुमला मैं यहाँ पर मौलाना गुलजार साहब और मौलाना असर अब्बास साहब हैं, आप लोगों ने एक साल पहले ताहिर साहब को खुशी लगे तो भाई आप दोनों महल्ले में जा जाके आप लोगों ने मीटिंग किया था ना कि इत्तेहाद आ जाए, उसका कोई रिजल्ट निकला या वो बात कहाँ बढ़ू। उसमें हुआ ये कि जब गए या कोशिश की गई इसलिए सब अपने ही हैं, कोई गैर नहीं है, पता नहीं भाई गैर से लड़ाई है तो सब अपने हैं। ये कौमी सरमाया है जो थाने में कचहरी में चाहे वो आपका हो या मेरा हो या किसी तीसरे फरीक का हो खर्च हो रहा है, इसके ऊपर हम लोगों ने काफ़ी कोशिश की आपस में सब लोग मिल बैठ के वही जो तजवीज़ उन्होंने पढ़ाई थी मतलब हम लोग को छोड़ दीजिए किसी ऐसे के ऊपर इत्तेफाक हो जाए जो दोनों फरीकान मान लें कि हाँ इनकी बात को हमको तस्लीम करना है, उनको मुअय्यन कर लिया जाए। तो जब गुफ्तगू का सिलसिला शुरू हुआ तो वहाँ मतलब ज़ातियात बहुत सी चीज़ें दखील होने लगी कि मेरे साथ ऐसा हुआ तो मैंने उन्होंने कहा कि देखिए जुज़ी चीज़ों को छोड़ के अभी आप कौमी मसले को हल करने की कोशिश कीजिए, फिर वो जुज़ी चीज़ें जब कुल्ली ख़त्म होंगी तो जुज़ी चीज़ें आहिस्ते आहिस्ते खुद ही ख़त्म होने लगी। सिलसिला शुरू हुआ तो कुछ लोगों ने कहा नहीं हम नहीं आएँगे शिरकत नहीं करेंगे, कुछ लोगों ने कहा कि भाई मसला ही वक्त ना उठाइए आप इसके ऊपर, मैंने अलग अलग तरीके से, तो हम लोगों को नतीजा ये लगा कि हम लोग जो मेहनत कर रहे हैं वो शायद किसी नतीजे तक नहीं पहुंच सकेंगे। ये उसका कुल्ला ने खुलासा है, मतलब होता है कि आम आदमी रहती है ठीक है आप कोशिश कीजिए हम आपके शाना बशाना, जैसे अभी आपने कहा कि हम शाना बशाना है, तो इस तरीके की चीज़ें जब तक नहीं आएंगी मिसाल के तौर जी सही कहा मेरा अब भी यही कहना है कि हम बजाय इसके कि इधर उधर के मसाइल को में पढ़ें
आपसी बैठ के इस मसले का हल कर लिया। अच्छा, अब इसमें एक ये सरकार के यहाँ लोग गए और हमारा नाम जब मुलविस हुआ तो मैं सबसे पहले आपके दर दौलत को किया और मैंने कहा कि मैं औलाद के सर पर कसम खाने को तैयार हूँ, आप हमारे में है, हमारा इसमें कोई मौलाना की गिरफ्तारी और उसमें कोई ताल्लुक नहीं है, इल्ला ये कि जो ताला उन्होंने बंद किया था मैंने एहतजाज किया था कि अंदर औरतें हैं ताला खोलें। चलिए, उसके बाद नौचंदी था, दो साल पहले नौचंदी की मजलिस में पूरा मजमा था, लाउडस्पीकर लगा था, एक सेकंड मैं बता, तो मैंने वहाँ ऐलान किया कि अगर हमारी वजह से कोई तकलीफ है तो हम फांसी दे दो, ले फॉर्म को मिला दो और बैठ के पहले जितने मुकदमे हैं हुजूर 40-50 के करीब मुकदमे हैं बैठ के सुलह करें, आपका नाम नामी लिया मैंने कि वो सरकार को बुलाएंगे, जनाब का नाम नामी लिया, उनसे मेरी बात हो चुकी है, मेंबर पर मैंने फिर ऐलान किया कि आप लोग आ जाएं और आके बैठ के बात करें। लेकिन हमको लड़कों ने दिखाया कि 2018 में जब मौलाना शरीफ साहब ने यहाँ अलम नहीं आने दिया, उसकी वीडियो दिखाई गई और वो है मेरी बात मुकम्मल होने, मेरी बात फिर आप बोलिए, तो वो उसको वीडियो दिखाया गया, वो वीडियो अभी भी मौजूद है, अगर आप इजाजत देंगे तो अभी दिखाया जाएगा। तो मौलाना उसमें तकरीर कर रहे हैं कि जिन जिन लोगों ने झूठा केस किया है उनको अलम लेके आने की इजाजत नहीं है, वो अपने रिश्तेदार भाई को दे दें, ज्यादत हो जाएगी। बहरहाल हंगामा बढ़ा, तो मौलाना ने उस तकरीर में ये कहा शबीफ साहब को बुलाने के अगर कोर्ट से ऑर्डर आ जाता है फैसला तो हम लोग सब कोर्ट को मानेंगे। तो इधर के जो लोग हैं लड़के लोग, उन लोगों ने मुझसे कहा कि जब कोर्ट में मामला चला गया ट्रिब्यूनल में तो अब उनका मामला आने, वो मामला आ गया और उसके बाद ये वाकया हुआ। जी अब्दुल,